कारगिल युद्ध के 25 साल बाद पाकिस्तान ने माना कि दो देशों के बीच सुलह की शुरुआत के अंत का कारण वो था। यही नहीं, पहली बार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने खुले मंच से साफ साफ बोल दिया कि कारगिल की जंग के लिए पाकिस्तान जिम्मेवार था। उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए, याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी, तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआयदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआयदे के खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। सुलह की कोशिश यहाँ से शुरू हुई थी। तारीख थी 20 फरवरी 1999। उस समय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने विदेश मंत्री जसवंत सिंह और 22 जानी मानी हस्तियों को लेकर लाहौर के लिए बस से वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल हुए। वाजपेयी के साथ बस में थे देवानंद, शत्रुघ्न सिन्हा, अरुण शूरी, जावेद अख्तर, कुलदीप नैयर, सतीश गुजराल और कई मुख्तलिफ हस्तियां। लाहौर में वाजपेयी का बेहद गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ। पुराने दुश्मन एक दूसरे के गले लगे। 21 फरवरी 1999 को वाजपेयी और नवाज शरीफ ने लाहौर डिक्लेरेशन पर कलम और स्याही चला दी। दो सियासतदानों की नज़दीकी से दोनों मुल्क के आवाम को लगा कि 51 साल पुरानी रंजिश, खून खराबे, शको शुबा और दूरियों से निजात अब दूर नहीं। समझौते ने तय किया कि दोनों देश मिलकर कश्मीर मुद्दा सुलझाएंगे, आतंकवाद पर रोक लगेगी, न्यूक्लियर वेपन्स पर एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा और नई दोस्ती की सड़क बनेगी। पर इस अमन की आशा की उम्र छोटी थी। पाकिस्तान की फौज को सुलह और शांति मंजूर नहीं थी। उसके मुखिया जनरल परवेज मुशर्रफ के इरादे कुछ और थे। मुशर्रफ ने कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी निगाहें डाली। सर्दियों में पाकिस्तानी फौज ने घुसपैठ की और ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया। जब बर्फ पिघली तो पाकिस्तान के नापाक इरादे सामने आए। इधर अटल अटल रहे। उन्होंने और फौज के जाबाजों ने कारगिल में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनकारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खराब हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी, अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर दो टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। पाकिस्तान को शिकस्त मिली और दुनिया के हर देश से फटकार। पाकिस्तान ने 25 साल बाद अब अपनी वादा खिलाफी पर जुबान खोली है, शायद इसलिए कि इन 25 सालों बाद पाकिस्तान बर्बादी के किनारे पे है और हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत यानी इकॉनमी है।